जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर नगर पालिका अक्सर चर्चाओं में बनी रहती है। एक बार फिर जसपुर नगर पालिका सुर्खियों में है, जहां जसपुर नगर पालिका सभासदों ने नगर पालिका अध्यक्ष के पुत्र और अधिशासी अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सभासदों का आरोप है कि पिछले काफी लंबे समय से नगर पालिका में घोटाला हो रहा है। 2016 में 8 लाख की लागत के बनाए गए स्वागत द्वारों में समय समय पर मरम्मत के नाम पर लाखों रुपये का घोटाला किया है। वहीं साथ ही सभासदों का कहना है 2018 में नगर पालिका की 14,50,000 की दुकान नीलाम की गई थी, जिसका 6.5 लाख रुपये भी जमा कर दिया गया था। लेकिन अध्यक्ष पुत्र और उस समय मौजूद अधिशासी अधिकारी ने साठ गांठ कर वो पैसा वापस कर दिया। सभासदों ने कहा अगर कार्रवाई नहीं की गई तो मुख्यमंत्री उत्तराखंड और शहरी विकास मंत्री से शिकायत कर कार्रवाई की मांग करेंगे। हमने जो शनिवार में कमिश्नर साहब दीपक रावत जी से और डीएम साहब से जो मुलाकात की है, हमने जो नगर पालिका में स्वागत द्वार लगे हुए हैं 2016 में वो स्वागत द्वार पूरे नए 8 लाख रुपए के लगे थे। 2019 में उसकी मरम्मत 6.5 लाख रुपए की दिखाई गई है। आज उन्हीं स्वागत द्वारों की जो 8 लाख रुपए के नए लगे थे, उन्हीं स्वागत द्वारों को 14 लाख रुपए के मरम्मत के नाम पे पैसा गबन किया गया अध्यक्ष पुत्र हाजी राशिद और अधिशासी अधिकारी शाहिद अली के द्वारा। 2018 में नगर पालिका ने दुकान नीलाम की थी 14.5 लाख रुपये की, उसका 6.5 लाख रुपया जमा कर दिया था जिसके नाम दुकान नीलाम हुई थी। लेकिन अध्यक्ष पुत्र और उस समय के अधिशासी अधिकारी के द्वारा उससे 60 जो हम शनिवार के दिन हम कमिश्नर साहब से मिले, वहाँ पर हमने जो है नगर पालिका में जितनी अनियमितताएँ हो रही हैं उसके बारे में उन्हें बताया कि एक तो हमने बताया कि जो हमारे स्वागत द्वार लगे हुए हैं नगर पालिका के सीमा के अंतर्गत, उसमें बहुत धांधलीगर्दी हो रही है। क्योंकि जब 2016-17 में तीनों गेट लगे थे, शायद इनका नए गेटों का जो निर्माण हुआ है शायद 6 से 7 लाख के बीच का निर्माण हुआ है। उसके बाद इनका जो है सौंदर्यकरण 18-19 में किया गया, 18-19 में भी शायद 7-8 लाख का इनका सौंदर्यकरण करा गया। अब उसके बाद 2000